पॉल्यूशन इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे पॉल्यूशन इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट इज कंपोज कंप्राइज ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंट जो है वो आपको कंप्राइज करते हैं क्या ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट अकर नेचुरली ऑन अर्थ हमारे आसपास जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं वो सभी हमारे इन्वायरमेंट के ही आते हैं इट इंक्लूड्स ह्यूमन बींग्स एनिमल्स प्लांट रिवर इट इज सीवायरमेंट में आपको ह्यूमन बींग्स भी आएंगे एनिमल्स भी आएंगे प्लांट्स भी रीवर सोयल आपका घर हाउस आपके इक्विपमेंट्स आपके टॉयज ऑल थिंग्स आर योर एनवायरमेंट्स आवर सराउंडिंग्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द इनवायरमेंट हमारा सराउंडिंग्स जो है वह हमारा पार्ट है किसका environment का इन्वायरमेंट का स्कूल्स हाउसेज पार्कस मार्केट्स आवर नाइवर्स आवर फैमिली मेंबर्स इट इज सी ऑल मेकअप ऑफ इमीडिएट फिजिकल इन्वायरमेंट और ये जितनी भी चीज जो है स्कूल्स हाउस पार्क ये जितनी भी चीज है ये सब हमारे क्या है फिजिकल इन्वायरमेंट है हार्म टू द एनवायरमेंट हम इस एनवायरमेंट में रहते हैं और इस एनवाइरमेंट को हम ही लोग जो है वो हार्म भी करते हैं हानि भी पहुंचाते हैं लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन द एन्वायरमेंट फॉर देयर सर्वाइवल जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं किस पर एनवायरमेंट पर बट ओवर द years, ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड many ह्यूमन एक्टिविटीज have harmed द environment. लेकिन हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है ना? हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या ग्रोथ इन पॉपुलेशन और हमारी बहुत सारी जो एक्टिविटीज है जिसके चलते हमारे को क्या होता है इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचती है ट्रीज आर कट ऑन ए लार्ज स्केल हमने बहुत बड़े स्केल पर ट्रीज को काटे हैं टू बिल्ड हाउसेज घर बनाने के लिए एंड टू ग्रो क्रॉप और फसल उपजाने के लिए फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इस बढ़ती हुई जनसंख्या को के लिए एज ए रिजल्ट द अर्थ इज नॉट एज ग्रीन एंड एज बिफोर इसके चलते आज यह हमारी पृथ्वी उतनी खूबसूरत नहीं है जितना कि पहले था दिन प्रतिदिन पेड़ कट रहे हैं है ना नए नए घर बन रहे हैं तो जिसके चलते क्या हो रहा है हमारा इन्वायरमेंट प्रभावित हो रहा है कटिंग ऑफ ट्री हैज मेनी मेड मेनी एनिमल्स होमलेस एक ट्री पर बहुत सारे पक्षियों का घर होता है बहुत सारे जानवरों उसके भरोसे रहते हैं और और ये जो ट्रीज कट रहे हैं कटिंग ऑफ ट्रीज हैज मेड मेनी एनिमल्स होमलेस बहुत सारे जानवरों को घर से विहीन कर रहे हैं द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर हैज इंक्रीज और जब ट्री कट रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी लेवल बढ़ रहा है इस एनवायरनमेंट में द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज हैज आल्सो इंक्रीज प्रतिदिन रोज नए-नए व्हीकल्स गाड़ी आ रहे हैं फैक्ट्री खुल रहे हैं लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या कर रहे हैं लीड कर रहे हैं नेतृत्व कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट में बढ़ाने में इन द एटमोसफेयर इस एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ाने में ये जो फैक्ट्री जो नए नए जो आ रहे हैं या जो व्हीकल्स आ रहे हैं ये उत्तरदायी हैं कि हमारा एटमोसफेयर को ये बर्बाद कर रहे हैं पॉल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल चेंज इन वाटर स्वाइल और एयर दैट ब्रिंक्स डाउन द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है एक अनडिजायरेबल चेंज होता है पॉल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल चेंज अवांछित चेंज है ना जो हमारा अच्छा चेंज नहीं है खराब चेंज खराब परिवर्तन होता है इन वाटर पानी पानी में यानी जो साफ है वो प्रदूषित हो जाएगा खराब हो जाएगा पीने लायक नहीं रहेगा नहाने लायक नहीं रहेगा मिट्टी में और एयर और हवा में डेट ब्रिंग्स डाउन द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट जो कि नेचुरल क्वालिटी है एनवायरनमेंट का उसको क्या करता है खराब कर देता है पॉल्यूशन उसे ही पॉल्यूशन कहते हैं तो इस डिफिनेशन को याद रखना है कि पॉल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल चेंज इन वाटर सॉइल और एयर दैट ब्रिंग्स डाउन द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट पॉल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट्स हेल्थ एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉल्यूशन जो है हमारे हेल्थ और हमारी दूसरी एक्टिविटीज पर बहुत ही बुरा प्रभाव छोड़ती है हार्मफुल दैट पॉल्यूट एयर वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स और जो हार्मफुल सबस्टांसेज हैं जो कि एयर को पॉल्यूट करते हैं वाटर एंड लैंड को उसे कहते हैं क्या पॉल्यूटेंट्स एयर पॉल्यूशन मिक्सिंग ऑफ हार्मुल सबस्टांसिज विथ एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन हार्मफुल सबस्टिज का जो एयर के साथ मिक्सिंग होता है उसे ही कहते हैं क्या एयर पॉल्यूशन स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनीज चिमनीज से जो स्मोक निकलते हैं है ना उससे क्या होता है एयर पॉल्यूशन काउजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन के कारण उड इज यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज फॉर मेकिंग वो आपको घर बनाने के काम में आते हैं पेपर बनाने के काम में आते हैं और एज ए फ्यूल यूज होते हैं द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन और लार्ज स्केल पर जो ट्रीज का कटिंग होता है उसे ही कहते हैं डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल बड़े स्केल पर इिफॉरेस्टेशन कि फॉरेस्ट को बर्बाद किया जा रहा है फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट किया जा रहा है खत्म किया जा रहा है है ना तो डिफॉरेस्टेशन का स्पेलिंग बोलिएगा जरा आप लोग डी ई एफ ओ आर ई एस टी ए टी आई ओ एन यस डिफोरेस्टेशन सभी लोग याद रखेंगे और डिफॉरेस्टेशन का डिफिनेशन भी याद रखेंगे दिस लीड्स टू लेसर नंबर ऑफ ट्रीज इन द इन्वायरमेंट और जिससे क्या होता है डिफॉरेस्टेशन से ट्रीज की संख्या घटते जाती है एंड लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर लिविंग थिंग्स और जब ट्रीज घट जाएंगे तो ट्रीज ही ऑक्सीजन बनाते हैं है ना फोटोसिंथेसिस के दौरान अपने भोजन बनाने के दौरान तो जिससे क्या होगा जो लिविंग ऑर्गेनिज के लिए जो ऑक्सीजन है वह भी लेसर अमाउंट होगा घटता जाएगा जैसे जैसे पेड़ घटेंगे वैसे वैसे हमारे एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट भी कम होगा दिस ऑल्सो रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर और जिसके चलते क्या होता है कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है विच लीड्स टू एयर पॉल्यूशन जो कि एयर पॉल्यूशन का कारण है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल पेट्रोल एंड डीजल इन एंड फैक्ट्रीज एड्स पॉल्यूशन पॉइनस गैसेज इन टू द एयर और जो फ्यूल्स जो जलते हैं हम लोग जो बर्न करते हैं फ्यूल ईंधन जैसे में कोल पेट्रोल गाड़ियों में और डीजल इन एंड फैक्ट्रीज में है ना एड प्वाइजनस गैसेज इन टू द एयर ये एयर में कंटिन्यू प्वाइजनस गैस छोड़ रहे हैं डर्टी स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज और फैक्ट्रीज से भी स्मोक गंदे धुएं निकलते हैं ऑल्सो एड्स हार्मफुल गैसेज जो कि हार्मफुल गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द एयर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेज एयर में छोड़ते हैं और एयर को पॉल्यूशन करते हैं इरप्शन ऑफ वोलकानोज और वोल्कैनोज का निकलना ज्वालामुखी फूटना है ना रिलीजेज स्मोक इन टू द एयर और इससे भी आपका एयर पॉल्यूटेड होता है अब देखते हैं, हैं हम लोग इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन अब एयर पॉल्यूशन के बारे में तो जाने की कैसे कैसे होता है अब इसका इफेक्ट्स क्या पड़ता है इस्मोक एंड हार्मफुल गैसेज कैन काउज अस्थमा एंड लंग्स कैंसर हमारा जो इस्मोक है और हार्मफुल जो गैसेज है इसके चलते हमें कौन सी बीमारी होती है अस्थमा और लंग्स कैंसर होते हैं एयर पॉल्यूशन कैन काउज ब्लड एंड हार्ट डिजीज और एयर पॉल्यूशन के चलते हमारे को ब्लड और हार्ट डिजीजेज भी होते हैं इट कैन ऑल्सो काउज हैड एक्स एंड स्कीन एंड द आई इरीटेशन और एयर पॉल्यूशन के चलते हमारे को हेड एक्स सिर दर्द स्कीन और आई इरीटेशन जैसे भी रोग होते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड पॉल्यूशन मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सबस्टांस इन द कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन हार्मुल में जो मिक्स होता है उसे ही कहते हैं लैंड पॉल्यूशन जैसे पोलोथीन है ना पोलोथिन मेन हमारा जो पॉल्यूशन जो हो रहा है वो किसके चलते हो रहा है लैंड पॉल्यूशन और बहुत सारे गार्बेज जो है जो डिस्ट्रोय या अनडिस्ट्रॉएबुल है है ना जिसके चलते हमारी भूमि जो है जमीन जो है हमारी उर्वरक उरु, जो मिट्टी है वो पॉल्यूटेंट हो रही है ऑफ लैंड लैंड के कौन कौन से कारण है ये भी देखते हैं ट्रीज आर कट टू बिल्ड हाउसेज एंड ऑफिस सबसे मेन कारण है जो ट्रीज है जिसको कि हम लोग कट कर रहे हैं रेगुलर हाउस और ऑफिस बनाने के लिए इन सिटीज एंड टाउन सिटीज और टाउन में दे आर ऑल्सो कट डाउन फॉर देयर उड और ट्रीज को हम लोग उसके उड के लिए भी काटते हैं उसकी लकड़ी के लिए भी काटते हैं यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा उपयोग होना फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना जब हम लोग खेतों में जो हम लोग उपजाते हैं चावल राइस गेहूं है नीट पल्सेज तो उस दौरान हम लोग बहुत अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स कीटनाशी दवा और फर्टिलाइजर्स आपको उर्वरक का उपयोग करते हैं है ना तो ये भी हमारे को लैंड पॉल्यूशन करते हैं एंड सॉलिड वेस्टेज सच एज कैंस एंड प्लास्टिक बोतल्स और हम लोग प्लास्टिक बोतल्स और कैंस विभिन्न तरह के प्लास्टिक से भी एयर पॉल्यूशन फैलाते हैं ऑल्सो कावजेज लैंड पॉल्यूशन लैंड के कारण है वेस्टेज फ्रॉम इंडस्ट्रीज ऑल्सो काउ लैंड पॉल्यूशन और इंडस्ट्रीज से जो वेस्टेज लगातार निकल रहा है वह भी लैंड पॉल्यूशन का कारण है इफेक्ट्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन अब लैंड पॉल्यूशन के इफेक्ट्स देखते हैं इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स गैदर अराउंड पोल्स ऑफ डर्ट ऑन लैंड एंड स्प्रीड जर्म्स एंड बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं और एनिमल्स हैं जो कि इन डी एरिया पर पॉल्यूटेंट एरिया पर रहते हैं और स्प्रीड करते हैं जर्म्स एंड डिजीज और वहां से विभिन्न तरह के जर्म्स और डिजीज को फैलाते हैं केमिकल्स इन फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल फॉर द यूजफुल बैक्टीरिया लिविंग इन सॉइल और मिट्टी में जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है उसको भी ये केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो है वो हानि पहुंचाते हैं वेन दिज बैक्टेरिया वेन दिज बैक्टेरिया डाई तो क्वालिटी ऑफ द सॉइल इज रिड्यूस्ड और यदि जो ये जो बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं मिट्टी में ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के चलते यदि ये डाई कर जाएंगे मर जाएंगे तो उससे हमारा जो सॉइल का जो क्वालिटी है वह भी खराब हो जाता है वाटर पॉल्यूशन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर पॉल्यूशन मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सबस्टांसेज इन वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन वाटर में पानी में जो विभिन्न तरह के आपको हार्मफुल सबस्टांसेज जो मिक्स किए जा रहे हैं उससे क्या होते हैं वाटर पॉल्यूटेंट होते हैं तो डिफिनीशन है वाटर पॉल्यूशन का मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सबस्टांसेज इन वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन काउजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन के कारण है थ्रोइंग वेस्टेज सच एज प्लास्टिक बैग्स एंड कार्टून इन रिवर्स काउजेज वाटर पॉल्यूशन हम लोग जो वेस्टेज को या जैसे कि प्लास्टिक बैग्स है कार्टून है इसको रिवर्स में फेंक देते हैं है ना बहुत सारे चीज को हम लोग क्या करते हैं रिवर में फेंकते हैं थ्रो करते हैं जिसके चलते भी वाटर पॉल्यूशन होता है वॉशिंग क्लॉथ्स एंड बाथिंग में नहाना washing clothes करना कपड़े धोना बात करना सॉप्स Detergent यूज करते हैं इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स तो वो भी हमारे को वाटर पॉल्यूशन करता है ऑल्सो लीड टू वाटर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन का नेतृत्व करता है ये भी सम इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो रिवर्स के किनारे बसे हुए हैं द वाटर ऑफ दीज रिवर्स गेट पॉल्यूटेड वेन हार्मफुल सबस्टांसेज आर रिलीज इन टू इट और ये वाटर जब आपको रिवर्स में जाते हैं तो वहाँ से भी क्या होता है बहुत सारे हार्मफुल सबस्टांसेज जो हैं वो रिवर्स में चले जाते हैं जिससे कि वाटर पॉल्यूशन होता है इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट मैनी हार्मफुल जर्म्स ग्रो इन पॉल्यूटेड वाटर और इस पॉल्यूटेड वाटर में बहुत सारे हार्मफुल जर्म्स हानिकारक जर्म्स ग्रो कर जाते हैं एंड दीज काउज डिजीजेज सच एज टाइफाइड डायरिया एंड डिसेंट्री और ये सब जो है हमारे को विभिन्न तरह के डिजीज देते हैं टाइफाइड डायरिया या डायसेंट्री द हार्मुल केमिकल्स इन दॉल्यूटेड वाटर आर टेकन इन बाई द प्लांट्स एंड वाटर एनिमल्स वेन वी इट दीज एनिमल और प्लांट्स द केमिकल्स इंटर आवर बॉडी एंड मेक अर ये जो हार्मुल केमिकल्स जो है ये वाटर में चले जाते हैं है ना इन द पॉल्यूटेड वाटर वाटर में और उसी वाटर का यूज करके प्लांट्स और वाटर एनिमल्स यूज करते हैं और उन प्लांट्स को और उनके प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को फिर हम लोग इट करते हैं या एनिमल्स इट करते हैं तो वो केमिकल्स हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और हमें बीमार बना देते हैं मेकस सिक इफ वी ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर वी वे फॉल सिक यदि हम लोग पॉल्यूटेड वाटर पिएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे बीमार पड़ जाएंगे वी मे फॉल सिक वेस्ट वेस्ट इज एन अनवांटेड मटेरियल विच इज नो लॉन्गर और एनी यूज वेस्ट क्या है एक अनवांटेड मटेरियल है जिसका कि कोई यूज नहीं है वेस्ट कैन बी वेस्ट को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो भाग में एक है बायोडिग्रेडेबल एंड दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल जितने भी तरह के वेस्ट होते हैं उसे हम लोग दो भाग में बांटते हैं वन होता है आपका बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज यानी कि फल और सब्जियों के जो कि आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज मोस्टली प्लास्टिक्स होते हैं जो कि आसानी से आपको डिग्रेड नहीं होते हैं मिट्टी के साथ नहीं घुल करके डिकम्पोज होते हैं है ना तो दो तरह के वेस्टेज हैं वन बायोडिग्रेडेबल एंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत ही हानिकारक होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर दैट कैन ब्रेक डाउन नेचुरली और डिकम्पोज इजिली बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज वो होते हैं ठीक है जिसे कि हम लोग आसानी से नेचुरली ब्रेक कर सकते हैं और हो जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर दोज दैट ब्रेक डाउन नेचुरली जो नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाते हैं और डिकम्पोज ईजली और आसानी से ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं तो ये डिफिनीशन आपको याद रखना है बायोडिग्रेडेबल का पेपर कार्डबोर्ड बनाना पीपल्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं है ना वेजिटेबल्स के जितने वेस्टेज होते हैं फ्रूट वेस्टेज होते हैं पेपर कार्डबोर्ड बनाना पील्स ये सब क्या है आपको बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज डोंट ब्रेक डाउन एंड मिक्स इन दॉल दे डैमेज द इन्वायरमेंट और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज होते हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं और वो सॉइल नहीं करते हैं और वो एनवायरमेंट को डैमेज करते हैं याद रखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल डोंट ब्रेक डाउन एंड मिक्स इन द दॉयल दे इन्वायरमेंट एग्जाम्पल है सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर टायर्स हमारे गाड़ी का टायर्स प्लास्टिक्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जितने सामान है जो आपको टीवी में आपके फ्रीज में है एसी में है कंप्यूटर में है मोबाइल में है मेटेलिक पार्ट्स और जो मेटैलिक पार्ट्स है दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज रिड्यूस री यूज एंड रिसाइकिल ध्यान देंगे अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्या रिड्यूस री यूज एंड रिसाइकल, प्रैक्टिस द थ्री आर्स ऑफ द इन्वायरमेंट रिड्यूस रियूज एंड रिसाइकल, और ये थ्री आर्स का प्रैक्टिस करके हम लोग इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन कम से कम करते हैं और पॉल्यूशन होने से बचाते हैं रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू प्रोड्यूस आप वैसे सामान का जो कि वेस्ट होते हैं और वेस्ट पैदा करते हैं वैसे सामान का कम से कम उपयोग करें है ना मिनिमम उपयोग करें और रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू प्रोड्यूस री यूज आइटम्स इन स्टीड ऑफ थ्रोइंग देम अवे वेदर पॉसिबल और उस समान का रीयूज बार बार करें जिसको कि पॉसिबिलिटी हो कुछ प्लास्टिक कैंस हैं जिसका आप बार बार यूज कर सकते हैं है ना तो उन्हें बार बार यूज करें नया ना लें और इस प्रकार से इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन होने से बचाएं फॉर एग्जाम्पल एम्टी बोतल्स ऑफ जैम कैन बी रीयूज टू स्टोर थिंग्स इन द किचन हम लोग खाली बोतल जैम के है ना खाली बोतल हॉर्लिक्स के खाली बोतल ग्लूकोन डी के को यूज कर सकते हैं फिर किस चीज़ में विभिन्न तरह के चीजों को स्टोर करने में अपने किचन में या अपने घरों में और इस प्रकार से रीयूज करके हम लोग क्या करेंगे इन्वामेंट को पॉल्यूटेंट होने में से बचाते हैं रिसाइकल यूज आइटम्स टू मेक न्यू थिंग्स और जो सामान आपका वेस्ट होने जा रहा है उसको रिसाइकल करके फिर से नया थिंग्स बनाएंगे विभिन्न रूप में और उससे भी हम लोग इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेंट होने से बचाते हैं रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू थिंग्स रिसाइकलिंग क्या है प्रोसेस है नया थिंग्स बनाने का आउट ऑफ द ओल्ड वंस जो पुराना हो गया है उसको गला करके है ना और फिर से नया बनाने का चीजें एक प्रोसेस है रिसाइकलिंग याद रखेंगे डिफिनीशन रिसाइकिल का इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू थिंग्स आउट ऑफ द ओल्ड वंस क्लियर है इस डिफिनेशन को याद रखेंगे Many of the things we use like paper bags, soda cans, milk cans are made of materials that can be recycled. Caring for the environment. अब देखिए ये environment हमारा है इसका care भी हमें ही करना होगा और save tree, save life. Tree बचाइए, life बचाइए.

प्लांट मोर ट्रीज एंड ग्रो प्लांट्स इन पॉट्स अराउंड योर हाउस हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए प्लांट मोर ट्रीज और पेड़ लगाने चाहिए एंड ग्रो प्लांट इन पॉट योर हाउस और अपने घर के आस पास गमलों में भी प्लांट्स को लगाने चाहिए डोंट वेस्ट पेपर एज ए लॉट ऑफ ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर एवरी डे और आप पेपर को वेस्ट ना करें बर्बाद न करें क्योंकि पेपर जो है वो पेड़ से बनते हैं ट्रीज से बनते हैं ट्रीज को काट कर बनाए जाते हैं इसलिए पेपर का उपयोग हमेशा सावधानी से करें सेव एनिमल्स और जानवरों को भी बचाएं। सेव एनिमल्स बाय सेविंग ट्रीज आप पेड़ बचाएंगे तो आपका एनिमल्स भी बचेगा है ना तो फर्स्ट वी सेव द ट्रीज देन एनिमल्स ऑटोमेटिकली सेव और डोंट बिट एनिमल्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज मेक एनिमल्स होमलेस ट्री काटने से बहुत सारे जानवर जो है उनके घर जो है छीन जाते हैं इसलिए ट्रीज को कटने से बचाना है सेब वाटर यूज अ बकेट एंड अ मग फॉर बाथिंग नहाने के लिए बकेट और मग का उपयोग करना चाहिए क्लोज द टैप व्हेन नॉट इन यूज और जब यूज ना हो तो नल को बंद कर दे क्लोज द टैप है ना टैप को क्लोज करेंगे जब पानी का यूज नहीं हो ऐसे ही पानी नहीं बहाएंगे वाटर द प्लांट्स विथ वाटर कैंस एंड नॉट विथ अर्स पाइप और हम लोग प्लांट्स को जो पटाते हैं उसे क्या करेंगे वाटर कैन से मग से पटाएंगे नॉट अ पाइप ऐसे ही नहीं कि नल करके पाइप लगा करके और से छोड़ दिए और पानी को बर्बाद होने दें नहीं बचाएंगे पानी सेव वाटर सेव इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करना बहुत जरूरी है जिस कमरे में नहीं रहिए उस कमरे के स्विच को ऑफ कर दीजिए है, है ना जिस चीज का उपयोग नहीं है उसके स्विच को ऑफ रखेंगे डोंट स्विच ऑन द लाइट्स ड्यूरिंग द डे दिन के समय में आप स्विच ऑन नहीं करेंगे लाइट्स का स्विच ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर को स्विच ऑफ रखेंगे टीवी और रेडियो. If you are not using it, यदि आप कंप्यूटर टीवी या रेडियो का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसे स्विच ऑफ रखेंगे स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू लीव द रूम और जब आप अपने रूम से निकल रहे हो तो उस समय भी लाइट्स और फैंस को स्विच ऑफ रखेंगे अनप्लग द चार्जर ऑफ मोबाइल फोन लैपटॉप एंड कैमराज वेन देअर बैटरी इज फुल्ली चार्ज और चार्जर जो होते हैं मोबाइल फोन के या लैपटॉप के या कैमरा को जब आप चार्ज नहीं कर रहे हैं या वो, वो फुल्ली चार्ज हो गए तो उस समय उसे क्या करेंगे अनप्लग कर देंगे निकाल देंगे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे people all over the world are gradually becoming aware of their duty to preserve the environment इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए सेव करना चाहिए इसके लिए पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है इन 1972, सेवेंटी टू द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली उन्नीस में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिसाइड टू डिकेट अ डे टू राइज इन्वायरमेंट अवेयरनेस इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए इन्वायरमेंट के लिए जागरूकता फैले उसके लिए उन्नीस में यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने एक दिन निर्धारित किया एंड टू इनकरेज एक्शन टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट कि लोगों को इनकरेज किया जाए कि आपका इन्वायरमेंट को सेव कीजिए सेव ट्री सेव वाटर है ना एंड सेव एनिमल्स थैंक यू